टीवी 9 भारतवर्ष पर जम्मू हमले के मास्टरमाइंड की तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पाकिस्तान सेना के चीफ ऑफ स्टाफ साहिर शमशाद ने ये पूरी साजिश रची थी, इसको लेकर पुख्ता जानकारियां अब सामने आ रही हैं। वाइस चीफ ऑफ स्टाफ ने दिया ब्रिगेडियर को ऑर्डर, मेजर जनरल आसिम मलिक ने दिया ब्रिगेडियर को ऑर्डर, ये पता चल रहा है। ब्रिगेडियर इरफान की आतंकी टीम ने ड्रोन अटैक किया, मेजर जनरल मोहम्मद आसिम मलिक भी इसमें शामिल था, वाइस चीफ ऑफ स्टाफ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। और जीजी द्विवेदी साहब, ये अपने आप में कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के इशारे पर दहशतगर्द किस तरह से इस तरह के हमले करवाते हैं ये तो हम जानते हैं, लेकिन पहली बार मुझे लगता है ऐसा हो रहा है जब पाकिस्तान आर्मी के टॉप कमांडर्स का बाकायदा नाम सामने आ रहा है कि ये लोग इस अटैक में शामिल थे, मुलव्विस थे, ये कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि ड्रोन वॉरफेयर जो है ये सिक्स जनरेशन वॉरफेयर का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है जी। और इसकी जो भी प्लानिंग है वो हाई लेवल पर हो सकती है, ये नीचे वाले टेररिस्ट जो है इसकी प्लानिंग नहीं कर सकते। और पाकिस्तान ने ये ड्रोन वॉरफेयर पर काफी काम किया है, इनके चीन से बहुत से ड्रोन आए हैं, इन्होंने एक स्कूल जो सेटअप किया है मंगला में, वो ड्रोन वॉरफेयर का स्कूल है। तो मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो जितनी प्लानिंग है ये बहुत हाई लेवल पर प्लानिंग हुई है और इसको बहुत डिटेल में इसको एग्जीक्यूट भी किया गया है, वो ड्रोन टारगेट तक आए। हाँ, ये है कि हमारी खुशकिस्मती है, इनकी बदकिस्मती है कि वो ड्रोन जो है वो ठीक टारगेट पर नहीं पहुंच पाए। पर मुझे आपकी जो चैनल को प्रशंसा करनी चाहिए कि आपने इस तहत तक इसका जो एक आपने निकाला है मुद्दा निकाला है, और दूसरा जो इनकी जो प्लानिंग है वो सामने आई है। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत हाई लेवल प्लानिंग थी, बिल्कुल हाई लेवल प्लानिंग थी, और पाकिस्तान की ये सारी साजिशें बेपर्दा हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी टीवी 9 भारतवर्ष पर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर। अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।